नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिंह हिंदी विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कैरियर जंक्शन में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वृद्धि स्वर संधि, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि भी क्या है, स्वर संधि का एक भेद होता है। जैसे वृद्धि संधि स्वर संधि की ही भेद थी, मैंने आपसे बताया था कि स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, स्वर संधि के पांच प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता था दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता था गुण स्वर संधि, तीसरा था वृद्धि संधि और चौथा क्या है, यण संधि। इसके लास्ट में आप पढ़ेंगे कौन सी, अयाद संधि। तो चलिएगा देखते हैं कि यण संधि में होता क्या है। देखिये, यण संधि जो होती है इसको पहचानने का इसका तरीका बहुत सरल होता है। हमारे बच्चे जो होते हैं इसको बहुत ही आसानी से इसको पहचान लेते हैं। दिक्कत कहां पे आती है, तो दिक्कत इसके संधि विच्छेद करने में आती है। लेकिन आज से आपकी वो भी दिक्कत खत्म होने वाली है। ये जान लीजिएगा, जो आप मिनटों में करते थे संधि विच्छेद, उसको आज आप सेकंडों में करेंगे। बने रहिए आप कैरियर जंक्शन पे, देखते रहिए कैरियर जंक्शन। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं होता क्या है यण संधि में। ई, ऊ और री के बाद कोई आसमान स्वर आए तो, ई, ऊ, री के बाद जैसे ही कोई आसमान स्वर आता है तो देखिएगा क्या होता है। जैसे जो ये ई है और ऊ है और री है, ठीक है, ई का क्या हो जाता है, ई का हो जाता है या, और ऊ का हो जाता है वा, और री का क्या होता है, रा होता है। इतनी बात कन्फर्म हुई। धन के पहले कोई ई होगी, ऊ होगी और री हो गया, जैसे ही इसके बाद कोई आसमान स्वर मिलेगा तुरंत ही ई का या हो जाएगा, ऊ का वा हो जाएगा और री का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं इसकी पहचान। आपको बता दें, पहचान करना मैंने बताया था इसका बहुत ही सरल होता है, तो देख लीजिएगा इसकी पहचान भी, देख लीजिएगा आप लोग पहचान देखिएगा। यण संधि के उदाहरण में या व रा के पहले जहां पर आधा अक्षर मिले वहीं हमारी संधि कौन सी होती है बच्चे, यण संधि। ठीक है, जैसे ही हमको या व रा के पहले आधा अक्षर मिलता है किसी भी शब्द में, तुरंत वहां पर हमारी संधि कौन सी हो जाती है, यण संधि हो जाती है। ठीक, देखते लिख लीजिएगा इसको। या व रा के पहले आधा अक्षर मिलने पर यण संधि होती है। ठीक है, या व रा के पहले जहां पर आधा अक्षर मिल जाएगा वहीं हम बता देंगे कि संधि हमारी कौन सी है, तो हमारी संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ठीक, जिनको स्क्रीन शॉट लेना हो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिएगा एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे यहां पर इसका संधि विच्छेद किया जाता है, कैसे इसको संधि के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, सारी बातें आपको अभी हम बताने वाले हैं। आगे देखिएगा, जैसे लिखा होता अति प्लस अंत। ठीक है,
आपको मैंने पहले से ही बता मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि पहले शब्द के लास्ट वर्ड से दूसरे शब्द के पहले वर्ड से जो बिगाड़ या परिवर्तन होता है उसी को हम कहते हैं संधि। तो यहां पर देखेंगे पहले शब्द के लास्ट वर्ड से क्या निकल रहा है, तो यहां पर पहले शब्द के लास्ट वर्ड से देखिएगा क्या निकल रहा है, ई निकल रहा है, ठीक, ई निकला। अब देखेंगे कि ई के बाद हमें क्या मिल रहा है, तो हमको क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है। पढ़े क्या है कि ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का तुरंत क्या हो जाता है बच्चे, या हो जाता है। यही तो पढ़े अभी, अभी यही तो ऊपर हम बताए हैं आपको। तो देखिएगा अब या जो हो जाएगा और ये जो आ की मात्रा रहेगी उस पे आके लग जाएगी, तो छोटा आ मात्रा रहित होता है, इस पे लगेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पूरा क्या बन गया, या बन गया, ठीक है। अगर एग्जाम में बैठे होते ये बात हमारे दिमाग में ना रहती कि ई अगर अपने आसमान से मिलता है तो ई के बाद ई क्या होता है, ई की जगह पे या होता है, अगर एग्जाम में बैठते ये बात हमारे दिमाग में ना रहती तब इसको कैसे करते, तब भी हम इसको तुरंत ही कर लेते, क्योंकि मैंने पढ़ा है वर्णमाला में कि या कैसे बनता है, तो ई और आ के मिलने से क्या बनता है, या बनता है। देखिए बोल के भी देखिए, या निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, या ही तो निकल रहा है बोलने पे। अगर ये लिखा होता है ऐसे तो ये क्या हो जाता है, ई और मात्रा किसकी है, बड़ा, तभी तो देखिए कहेगा या। अभी देखिए यहां पर कहेंगे या, लेकिन इसको थोड़ा खींच के कहेंगे या, बोल रहे हैं कि नहीं, यही चीज है। पेपर में बैठे हैं हमें नहीं पता है कि ई के बाद अगर कोई आसमान स्वर आता है तो ई का या हो जाता है, अगर मुझे याद नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है ई और आ मिलेगा तो या बना देगा, वर्णमाला में बताया भी गया होगा आपको। चलिएगा अब देखिएगा, जिस अक्षर से मात्रा निकलेगी वो अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, वो वर्ण हमारा आधा हो जाएगा। जैसे ही यहां पर हम स्वर निकाल दिए तुरंत अक्षर हमारा क्या हो गया, आधा हो गया, तो इसको हम आधा ता लिख लिए, ठीक। अब इसका ई निकाले हैं, इसका आ निकाले हैं, दोनों मिला के क्या बना है, या बना है, इसी को तो लिखेंगे। इसके बाद अगर इतना निकला ये लिख के उसके बाद ये लिखेंगे, तो चलते हैं या लिख देते हैं, बीच में या लिख दिए, ठीक। उसके बाद जो बचा उसको इधर लिख दिए, तो क्या हो गया, अत्यंत बन गया कि नहीं। अगर पूछ लेता अत प्लस अंत में कौन सी संधि है, तो हम देखते भाई अब यह आके पहले आधा अक्षर हुआ, तुरंत हम बताया सर कौन सी संधि है, तो यह संधि है, क्योंकि हमने रूल पढ़ लिया है या व रा के पहले जहां पर भी आधा अक्षर मिलता है वो संधि हमारी कौन सी होती है, यण संधि होती है, या के पहले आधा अक्षर, कोई दिक्कत। चलते हैं आगे देखते हैं, अगर वो आपको ऐसे दे देता कि अत्यंत में, भाई देखिए ऐसे लिखा होता, ये अत्यंत लिखा है और आपसे कहता कि अत्यंत में संधि कौन सी है, तो या के पहले आधा अक्षर, संधि हमारी यण। अगर लेकिन अब यहां पर बात आएगी कि अत्यंत का संधि विच्छेद करिए, संधि के रूप में लिखा है, एग्जामिनर पूछ लेता कि इसको संधि के रूप में लिखो, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहां से हम पहचानते हैं बच्चे वहीं से इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो देखते हैं हम यहीं से पहचाने हैं कि या के पहले आधा अक्षर, तो देखिएगा या के पहले आधा अक्षर है, तो इसको हम आधा अक्षर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, जिस अक्षर के नीचे हलंत लगता है वो अक्षर हमारा क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा ये इतनी बात इधर बची और ये इतनी बात इधर बची, यही तो है। अब देखते हैं कि जब ई का या होता था तो या का ई भी तो हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ये पता है हमें कि या आ निकल रहा है, तुरंत आ की मात्रा लगा देते, अगर बड़ा की मात्रा निकलती तो बड़ा लिख देते, कोई दिक्कत। अब देख लीजिएगा आप
बस इसमें करना कुछ नहीं। जैसे अभी तक आप क्या करते थे कि हमको देखना रहता था कि हमारा शब्द पहला शब्द सार्थक हो रहा है कि नहीं, दूसरा शब्द सार्थक हो रहा है कि नहीं, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है। जो हमारा स्वर आता जाएगा उसकी मात्रा तुरंत हम लगाते जाएंगे भाई, इसके लास्ट वर्ड में लाएंगे तुरंत क्या कर देंगे हम इस पे मात्रा लगा देंगे छोटी ई की, तो हो गया अति, और इधर लाके ये आ लगा देंगे तुरंत क्या हो जाएगा अंत। अति प्लस अंत बराबर क्या हो गया अत्यंत। समझ में आई बात? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिएगा आगे एग्जाम्पल देखते हैं। अगर लिखा होता अत्याचार, अगर आपको वो दे देता कि अत्याचार में बताइए कौन सी संधि होगी, तो कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं या वर्रा के पहले जहां पर आधा अक्षर होता है वहां पर हमारी यण संधि होती है, ठीक है। देखिए या के पहले हमको आधा अक्षर मिल रहा है, तुरंत ही हम इसको क्या बताते संधि हमारी तुरंत कौन सी होती, यण संधि। वो ऐसे भी पूछेगा, दे देगा पेपर में कि अत्याचार में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, वहां पर दे दिया गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, आयात संधि। तो जब पहचान पता होगा तभी हम उसको बता सकते हैं, और पहचान आज मैंने बता दिया आपको, या वर्रा के पहले जहां पर आधा अक्षर वहीं पर हमारी कौन सी संधि, यण संधि, ठीक है। देखिएगा हो गई कि नहीं तुरंत यण संधि बताए। लेकिन अगर एग्जामिनर कहता कि इसका संधि विच्छेद करिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी आपको, क्योंकि मैंने बताया है कि जहां से हम पहचानते हैं वहीं से इसका संधि विच्छेद कर देते हैं। अब देखिएगा यहीं से पहचाने हैं तो इसको हम क्या किए, यहां से क्या निकाले हैं, या इधर क्या बचा है अत बचा, ऐसे लिख सकते हैं आधा अक्षर, हलंत लगाया आधा अक्षर हो गया। अब इधर क्या बचा है, चार बचा है, ठीक। इतनी बात लिखी है अभी, यहां से पहचाने, इधर भाई देखिए जहां से निकाले उसके पहले जो बचा इधर लिख दिए धन के, और जो बचा धन के बाद लिख दिए, या निकाले हैं। अब हमें पता ई का या होता है तो या रहेगा तो या का ई हो जाएगा, और मात्रा इस पे कौन सी लगी है, बड़े आ की लगी है, बस ये मात्रा लाके इधर लगाइएगा, लास्ट में तुरंत लगाएंगे तो भाई पूर्ण हो जाएगा, अक्षर तो आधा रहेगा नहीं अति हो जाएगा, ठीक है। और इधर लाके आ लगा देंगे, आचार हो जाएगा, अति प्लस आचार बराबर अत्याचार, जो कि हम लोगों के साथ निरंतर हो रहा है, हमारी सरकार हम लोगों के साथ निरंतर अत्याचार कर रही है, ठीक है। पेपर हो रहे हैं, रिजल्ट आ नहीं रहा है, अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो वो कहां पहुंच जाता है, कोर्ट में पहुंच जाता है, ठीक। एक वैकेंसी निकलती है उसको सालों लग जाते हैं फाइनल होने में, ठीक है। लेकिन चलिएगा हम लोग अपने आगे पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए। चलिएगा अगला एग्जाम्पल बताते हैं आपको, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ये एग्जाम्पल, बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्पल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, पर्यावरण में कौन सी संधि होती है। अब देखिएगा, अब यहां बात नहीं समझ में आ रही है कि ना रा के पहले आधा अक्षर हो रहा है, ना यहां पर वा के पहले आधा अक्षर हो रहा है, ना यहां पर कुछ दिख ही नहीं रहा, यही तो सोचेंगे कि यहां पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा, इसको हम कैसे बता दें कौन सी संधि है। लेकिन इसके पहले ही वीडियो में मैंने आपको, पहले ही क्लास में आपको मैंने बताया है कि ये जो रा होता है वो लगता बाद में है और पढ़ा जाता है पहले। देखिए ऐसे लिखा नहीं जाता लेकिन आपके समझने के लिए हम बता रहे हैं, ये देखिएगा ये चीज यही लिखी है, यही चीज लिखी है, ये रा क्या होता, पर्यावरण, रा यहीं पे तो पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं। और जैसे ही हमको पता है ये रा आधा हुआ आगे आया आधा रा, तो तुरंत ही हमको क्या पता चल गया कि या के पहले हमें आधा अक्षर मिल गया, तो पूछता कि पर्यावरण में कौन सी संधि है,
तुरंत टिक करते कि संधि हमारी कौन सी है, तो यण संधि है। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलते हैं, अब बात आएगी कि पर्यावरण का संधि विच्छेद करिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत कर देंगे हम लोग भाई, हम जहां से पहचाने वहीं से इसका संधि विच्छेद कर देंगे। इधर देखिए ये या निकलेगा, अब इधर क्या बच रहा है, इतनी बात बच रही है, ठीक, और इसके बाद इतना बच रहा है, यही इतनी बात बची। अब हमें पता है जब या का क्या होता था ई, जब ई का या होता था तो या का ई हो जाएगा, या का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब इस पे मात्रा कौन सी लगी है, तो बड़ा आ की मात्रा लगी है, इधर आ जाएगी। अब लाके क्या हो जाएगा, ये इसको यहां पर रखेंगे, छोटी की मात्रा है परि हो जाएगा, ये बड़ा चिपका देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, आवरण हो जाएगा। परिधन आवरण बराबर पर्यावरण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ऐसे पढ़ते रहिए और कैरियर जंक्शन पे बने रहिए, आप लोग देखते रहिए, हम लोग निरंतर आपके लिए लगे हैं, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, अगर लिखा है एक, ये भी बहुत पूछा जाता है, इसको भी देख लीजिएगा, ये चीज बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते, जैसे लिखा है प्रत्येक में कौन सी संधि होगी, तो ये तो भाई सिंपल सी बात है, या के पहले आधा अक्षर है तो संधि हमारी कौन सी होगी, यण संधि। लेकिन इसका संधि विच्छेद कैसे होता है ये देखना है, ठीक है, पहचान लिए, या के पहले आधा अक्षर, संधि हमारी यण, ठीक है, और जहां से पहचानते हैं वहीं से संधि विच्छेद कर देते हैं, सिंपल सी बात है। यहां पर क्या बचा, प्रति बचा, हलन लगाए, चाहे ऐसे आधा ता लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, निकल क्या रहा यहां पर, लास्ट में बचा का। इतनी बात शायद समझ में आई हो, ना समझ में आई हो तो आगे देखिए। अभी पता था ई का या होता था तो या का ई भी तो होगा, तो चलेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, या का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब मात्रा देखेंगे कौन सी लगी है, तो या पे कौन सी मात्रा लगी है, तो एक ही मात्रा लगी है, ठीक है। देखते हैं करना क्या था, ये मात्रा लाके इसके लास्ट में लगाए, तुरंत क्या हो गया, प्रति हो गया, और इसको लाके इधर लगा दिए, तुरंत क्या हो गया, एक हो गया। प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, ठीक। चलते हैं आगे, बात करते हैं अब वा वाले की, इसका वा वाला एग्जांपल देखिएगा, जहां पर नहीं समझ में आएगा एक बार जरूर पूछ लीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, देखिएगा वा वाला। पहले एक बात समझिएगा, अगर ऐसे दे देता अनु प्लस ए, लिखा होता अनु प्लस ए में कौन सी संधि है, तो हम इसको जब संधि के रूप में लिख लेते तभी हमें पता चलता कि कौन सी संधि होती है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं पहले शब्द के लास्ट वर्ड से क्या निकल रहा है, उ निकल रहा है, आगे किससे मिल रहा है, आ से मिल रहा है। तो हमने अभी रूल पढ़ा है कि उ अगर अपने आसमान स्वर से मिलता है तो उ की जगह पे क्या होता है, वा होता है। इस पे कोई मात्रा आएगी लगेगी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, अभी हम वहां पे बताए हैं आपको। अब देखिए क्या उ के बाद जो आ आया है क्या उ के समान है, नहीं है ना, आसमान है कि नहीं, तो यही इतनी तो बात लिखे हैं, ई ऊ री के बाद जैसे ही आसमान स्वर आए, ई का या होता है, ऊ का वा होता, री का रा होता, तो यही बात यहां पर लिखी है, ऊ के बाद आसमान मिला तुरंत ऊ का वा हो गया, ठीक है। तो देखिएगा जैसे ही वा हो गया तो अब इसको हम संध के रूप में लिख लेंगे, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। तो यहां पर देखिए जैसे ही ऊ निकला अक्षर क्या हो गया, आधा हो गया। हमने कहा जिस अक्षर से मात्रा निकलेगी वो अक्षर आधा हो जाएगा, तो जैसे ही आधा हुआ अब इसका ऊ और इसका आ क्या मिलके बनाए हैं, वा बनाए हैं, वा को लगाते हैं, लास्ट में जो बचा इसको लाकर ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या बन गया, अन्वय बन गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होगी भी नहीं। तो ये देखिएगा कि जैसे पेपर में बैठे हैं, अब ये भूल गए कि ऊ के बाद अगर कोई आसमान आएगा तो ऊ का वा होगा, अगर ये बात भूल गए हैं तो हमें पता होना चाहिए
कि व कैसे बनता है, तो ऊ प्लस वा, सॉरी ऊ प्लस आ के मेल से क्या बनता है, वा बनता है, ऊ प्लस आ। जैसे बोलिएगा भी वा, वा निकल रहा है कि नहीं। जैसे बड़ा लिखा होता ऊ और बड़ा आ, तो कहते वा, भाई तेज से बोलते वा, निकल रहा कि नहीं। यही चीज तो यहां पर लिखी है, यही चीज रूल में बता दिया गया है। तो देखिए यहां पर ऊ निकला, आ से मिला, वा बना, तुरंत हमारा क्या बन गया, अन्वय। और जैसे ही अन्वय बना तो तुरंत हमें ये पता चल गया कि संधि हमारी कौन सी है, तो यड़ संध है। क्यों? क्योंकि वा के पहले आधा अक्षर मिला, और जैसे ही हमको वा के पहले आधा अक्षर मिला तुरंत ही हम बता दिए संध हमारी कौन सी हो गई, यड़ संध। ठीक है, लेकिन अगर वो कहता दे देता कि अन्वय का संध विच्छेद करिए, ऐसे लिखा होता अन्वय का संध विच्छेद करिए, तब क्या करते, तब भी इसको संध विच्छेद कर देते, क्योंकि हमने कहा है कि जहां से हम पहचानते हैं वहीं से उसका संध विच्छेद करते हैं, तो यहीं से हम पहचाने हैं। तो देखिएगा धन के पहले क्या लिख लेंगे, ये इतनी बार आ और आधा ना लिख लिए, बाद में बचा या लिख लिए, वा निकल रहा है। जब ऊ का वा होता था तो यहां पर वा का क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, और वा निकल क्या रहा है, आ निकल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जैसे ही हमको क्या करना है कि वा लाके इसमें चिपका देना है, तो ये हट जाएगा, आधा से क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा अन। छोटा ऊ है तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ होता तो बड़ा ऊ लगाते। यहां बात देखिएगा, ई जरूरी नहीं कि यहां पर छोटी ई के बाद ही मिले आपको, बड़ी छोटी दोनों हो सकते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये ऊ लाके यहां पर लगा दिए तो अन हो गया, और ये आ लाके यहां पर कर दिए तो क्या हो गया, आय हो गया। संध विच्छेद भी इसका हो गया, अन प्लस आय। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी पिछली परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था कि अन्वित में कौन सी संधि होती है, देख लीजिएगा। शायद आपके वीडियो के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था कि अन्वित में कौन सी संधि है, बताइए। तो देखिएगा, जैसे ही हमको पता चला हुआ के पहले आधा अक्षर, बता देंगे संधि कौन सी, यण संधि। इसको सब लोग बता दिए थे, लेकिन इसका संधि विच्छेद बहुत कम ही लोग कर पाए। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे ही संधि विच्छेद इसका भी होगा। देखिएगा, जहां से पहचानते हैं वहीं से इसको हम संधि विच्छेद करते हैं। अब देखिए, अब यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा अन, आधा ना। अब भाई ये जो है ये वी ऐसे ही तो निकलेगा यहां से, जैसे ही वी निकला इधर क्या बच गया, ती बच गया, और इधर क्या बचा, अन, और इधर बचा ती, और वी निकाल लिए हम। ठीक, अब जब ऊ का वा होता था तो वा जब आया है तो वा का क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, और मात्रा कौन सी लगी है, तो छोटे ई की लगी, छोटी ई की लगी है, तो तुरंत यही बात निकल आई, क्या दिक्कत है। तो उस इस ऊ को लाके यहां लगा दीजिए, तुरंत हो गया अनु, और इस ई को लाके यहां पर लगा दीजिए, हो गया इत, अनु प्लस इत बराबर अनुवित। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर कह दिया जाता कि अनुवित का, सॉरी अनुवित को संधि के रूप में लिखिए, तब भी लिख लेते हम लोग, इसमें भी हमें कोई दिक्कत ना होती। भाई यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, छोटा ऊ निकाल रहे हैं, आगे किससे मिला रहे हैं, ई से मिला रहे हैं। हमने, हमको पता है कि ऊ अगर अपने आसमान से मिलता है तो ऊ की जगह पे क्या हो जाता है, वा हो जाता है। अब देखिए, अभी तक आ रहता था तो इसकी मात्रा छोटा आ रहता था, कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। हमने कहा जब ये ई छोटी ई है तो इसकी छोटी ई की मात्रा लगाई जाएगी, इस पर तुरंत क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे ही देखिएगा, अभी आप वा पढ़ते थे, ऊ प्लस आ होता था वा। ठीक है, जब ऊ प्लस बड़ा हो जाता था तो कहते थे वा। अब देखिए यहां पर अगर ऊ प्लस, सॉरी ऊ प्लस छोटी हो जाए तो उई पढ़िएगा, तब भी क्या निकलेगा, उई ही निकलेगा। अगर यहां पर बड़ी होती तो बड़ी ही लगा देते। ठीक है, यही बात तो है। अब यहां पर देखिएगा, इसका छोटा ऊ निकला है तो यहां पर ये क्या हो गया, अक्षर आधा हो गया है। अब वही वी लिखना है, तो अब क्या वी ऐसे लिखेंगे,
बताइएगा आप लोग, ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा। जो अक्षर आधा होगा उसके बाद से मात्रा लगेगी, ये ऐसे लिखा जाएगा। लास्ट में देखिए, अब इसका उ निकल ही आया था, ई निकल आया था, लास्ट में क्या बचा था, ती, क्या बन गया था, अन्वित हो गया था। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसमें और देखिएगा, फिर आगे चलते हैं। अगर देखिए, अगर दे दिया जाता एग्जाम्पल स्वच्छ, ठीक है, अगर एग्जाम्पल दे दिया जाता स्वच्छ में कौन सी संधि है, तो अब हम देखते कि वा के पहले भी आधा अक्षर है, वा के बाद भी आधा अक्षर है, तो हम कहते अब इसमें कौन सी होती, कंफ्यूज हो जाते तुरंत। लेकिन हमें क्या जानना है कि जहां पर या वा रा के पहले जो आधा अक्षर होता हमको उससे मतलब होता है, बाद वाले से नहीं। तो जैसे ही हम इसके पहले आधा अक्षर देखते, कहते हमारी संधि यण है, और इसको हम भाई तुरंत ही विच्छेद कर देते, यहां से वा निकालते, यहां पर आधा सा ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हलन लगा दिए और इतनी बात इधर बचती। ठीक है, वा निकाले हैं तो ऊ प्लस आ वा हो जाएगा। ठीक है, ऊ भाई ऊ है तो जैसे देखिए, अभी ऊ रहता था तो ऊ का वा होता था जब वो विच्छेद के रूप में लिखा रहता था, और जब ये संधि के रूप में लिखा है तो वा का क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। अब धन के बाद क्या वा आ निकल रहा है, आ हो जाएगा। अब इस छोटे ऊ को लाके इसमें लगाएंगे, इस छोटे ऊ की मात्रा सु हो गया, और इसकी लाके इधर लगा देंगे, क्या हो जाएगा, अच हो जाएगा। तुरंत ही हमको लाके जो निकले यहां से इधर लगा दीजिए, जो बचे इधर रख दीजिए, बस तुरंत ही अपने आप ही अपना जो हो जाएगा, ये शब्द क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाता है। चलते हैं आगे, देखते हैं री वाला एग्जाम्पल। अगर वो ऐसे एग्जाम्पल देता, पेपर में आप बैठे हैं और एग्जाम्पल आ गया पित्राज्ञा में कौन सी संधि होती है, अब हम यहां पर टोटली कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि हमको दिख ही नहीं रहा है या वारा के पहले आधा अक्षर, तभी हम कहेंगे कि यहां पर कैसे हो रही भाई, यर्संध होगी तो कैसे होगी। लेकिन वर्णमाला में आप पढ़े हैं कि जो त्रा होता है, ये त्रा कैसे बनता है, आधे ता और रा के मिलने से बनता है, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है तो ये दो वर्णों के मेल से बनता है, आधे ता और रा से बनता है त्रा। तो जैसे ही ये बात हमारे समझ में आएगी कि जो त्रा है आधे ता और रा से बना है, तो हमें पता अब क्या चल गया कि रा के पहले आधा अक्षर मिल गया। और जैसे ही हमें रा के पहले आधा अक्षर मिला, तुरंत हमारी संधि कौन सी हो गई, यण संधि हो गई। सही समझ में आया, अब इसका होगी बात आएगी संधि विच्छेद कर दीजिए, तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है। यहां पर क्या निकल रहा, रा निकाल रहे हैं, इधर बचा क्या, पित बचा, और इधर बचा ज्ञा। अब रा है, जब री रहेगा तो रा हो जाएगा, जब रा आया तो रा का री हो जाएगा, रा का क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। अब री के भाई रा पे मात्रा क्या निकल रही है, रा आ, वो भी बड़ा आ की मात्रा निकल रही है। तो इस री को लाके इधर लास्ट में चिपकाएंगे तो क्या हो जाएगा, पितृ हो जाएगा, और इसको आके आगे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आज्ञा हो जाएगा। पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, तो संधि पूछ लेता तो कौन सी होती, यण संधि। ठीक है, लेकिन इसको दोनों तरीके से देखिएगा आप लोग, दोनों तरीके से देख लीजिएगा। अगर वो दे देता पितृ प्लस आज्ञा को संधि के रूप में लिखिए, और इसमें संधि कौन सी होगी, तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले शब्द के लास्ट वर्ड से हमारा री निकल रहा है, आगे मिल रहा है बड़ा आ से, हमें पता है कि री जैसे ही किसी असमान स्वर से मिलता, क्या री के समान है या नहीं होता, असमान ही तो है, तो री जैसे ही अपने असमान स्वर से मिलता है तो री का क्या हो जाता है, तो तुरंत ही री का रा होता था, तो रा पे ये मात्रा लग जाती थी, आ हो जाता था, आ की मात्रा लगी, इतनी बात यहां से निकली। अब ये हमें बात पता है कि भाई इस अक्षर से मात्रा निकली है, तो ये अक्षर हमारा क्या हो गया, आधा हो गया, ऐसे भी तो इसको आधा लिख सकते हैं, और उसके बाद इसका री और आ मिला के क्या बनाया है, रा, इस रा को लिखते और बाद में जो बचता उसको ऐसे हम चिपकाते।
लेकिन इसको ना लिख के हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों अक्षर का मेल हो गया, दो वर्णों का मेल हो गया और तुरंत ही जैसे आधा ता और रा का मेल हुआ, तुरंत क्या बना दिए बच्चे, त्रा बना दिए, तो तुरंत ही क्या हो जाता है, ये पित्राज्ञा हो जाता है। ठीक है, चलते हैं, एक लास्ट उदाहरण आपको बताते हैं हम, देख लीजिएगा। जैसे लिखा होता मात्रानंद में कौन सी संधि होगी, दे दिया जाता कि मात्रानंद में संधि बताइए, तो फिर हमको यही बात तो बाद में रिपीट करनी पड़ती कि त्रा कैसे बनता है। तो ये चीज ऐसे ही तो लिखी है भाई, लिखा नहीं जाता है क्योंकि दोनों जैसे मिलते त्रा लिख जाता, लेकिन हमें पता है कि त्रा कैसे बनता है आधे ता और रा से, तो रा के पहले आधा ता होगा, देखिए रा पे बढ़िया की मात्रा लगेगी क्योंकि यहाँ पर लगी है और ये नंद लिखा है। ठीक है, और जैसे ही देखेंगे इसको संधि विच्छेद कर देंगे, यहां से क्या हो जाएगा, मात निकल आया। ठीक है, और इधर अभी नंद लिखेंगे और उसके बाद होगा क्या, जब वहां पर री का रा होता था तो यहाँ पर री का, सॉरी रा का क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। मात्रा कौन सी लगी है, तो बड़े आ की लगी है, इसको लाके इधर चिपकाएंगे तुरंत हो जाएगा मात्र, और इसको लाके आ को इधर चिपकाएंगे तुरंत क्या हो जाएगा, आनंद। मात्र प्लस आनंद बराबर मात्रा नंद। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग अयाद संधि, उसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन संधि और उसके बाद पढ़ेंगे लास्ट में विसर्ग संधि। तब तक के लिए जय हिंद।